सबसे पहले आपको Binance ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है, प्लस आपको KYC वेरिफिकेशन भी कर लेनी है। अब बात करते हैं फोर्सर पे वॉलेट से किस तरह विड्रॉ लगाना है। आपको भी पता है कि फोर्सर पे वॉलेट पे डायरेक्टली क्रिप्टो कोई सेल नहीं होती, तो हम करने क्या वाले हैं, फोर्सर पे वॉलेट पे जो भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी पड़ी है उसे हम सेंड कर देंगे Binance पे। Binance से हम अपनी क्रिप्टो को सेल करेंगे और बैंक अकाउंट पे विड्रॉ लगा लेंगे। इस प्रोसीजर को हमने फॉलो करना है। अब आपको यहाँ पे फोर्सर पे वॉलेट पे आ जाना दोस्तों। फोर्सर पे वॉलेट पे आपको टोटल आपको 13 क्रिप्टो करेंसी ये मिल जाती है। इन 13 क्रिप्टो करेंसी के सेंड करने के अलग अलग फी चार्जेस है एंड एक मिनिमम अमाउंट है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो किस तरह आपको चेक करना है, 3 लाइन के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। हेल्प के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे फीस का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद सभी क्रिप्टो करेंसी के फीस चार्जेस एंड मिनिमम अमाउंट के बारे में आपको पता चल जाएगा। सबसे हाई जो फीस चार्जेस है दोस्तों यहाँ पे इथेरियम बिटकॉइन पे है। सबसे कम जो फीस चार्जेस है वो सिर्फ लाइटकॉइन पे है। लाइटकॉइन की बात करें तो फीस चार्जेस की तो यहाँ पे 0.4x02 LTC है। इसे मैं आपको इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये अमाउंट को मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहाँ पे गूगल पे इसे पेस्ट करके यहाँ पे कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, जो कि ये 14 पैसा यहाँ पे हो जाता है अभी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे मिनिमम अमाउंट भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, जो कि इसकी मिनिमम अमाउंट है 0.001 LTC है। इसे भी मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ इंडियन रुपीस। इस अमाउंट को यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे 7.20 रुपये हो जाते हैं। इतने के लाइटकॉइन मैं मिनिमम सेंड कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि मैं लाइटकॉइन के बारे में ही क्यों बता रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, जो भी आपके पास क्रिप्टो में बैलेंस पड़ा है उसे आपने कन्वर्ट करने ला लाइटकॉइन पे। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसमें कुछ ही पैसे में आप अपने जितने मर्जी क्रिप्टो आप सेंड कर सकते हो, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, कॉइन स्वैप का ऑप्शन मिला है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड वेट कर लेना है। इस तरह का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। कन्वर्ट फ्रॉम पे वो क्रिप्टो आपने सेलेक्ट कर लेनी है जिसपे आपके पास बैलेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी की लिस्ट आपको आ जाएगी। यहाँ पे मैं TRX सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नीचे कन्वर्ट टू पे आपको लाइटकॉइन सेलेक्ट कर लेना है। इसको आपने ध्यान से फॉलो करना है। अब आपको अमाउंट डालनी है कन्वर्ट फ्रॉम में। आप जितनी भी अमाउंट डालना चाहते हैं, जो भी आपके पहले बैलेंस है वो आपने डाल देना है। मैक्सिमम पे क्लिक करोगे आपका मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 20 TRX करने वाला हूँ, जो कि 0.013 यहाँ पे लाइटकॉइन मुझे रिसीव होंगे। यहाँ पे इंस्टेंट कन्वर्ट हो गया है। नीचे हिस्ट्री आपको मिल जाएगी जो आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, डैशबोर्ड पे आ जाना है, यूजर डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पे आपका बैलेंस इजीली कन्वर्ट हो गया है एंड लाइटकॉइन का बैलेंस यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट हो गया है। अब आपको अपने Binance एप्लीकेशन पे चला जाना है, तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था। उसके बाद आपको वॉलेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको स्पॉट वॉलेट पे क्लिक करना है। फिर आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है LTC। ये सर्च करने के बाद आपके सामने लाइटकॉइन आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है। नेटवर्क के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे लाइटकॉइन सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा। तो ओके के ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एड्रेस शो कर देगा, इसे आपने कॉपी कर लेना है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, मिनिमम आपको यहाँ पे 0.001 LTC ही डिपॉजिट करना है, मतलब सेंड करना है, तो इससे कम मत करना। तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्टर पे वॉलेट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिंक करना है। ओवरव्यू के ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिंक्ड एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरह का आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, नेम के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे Binance लिख लेना है। उसके बाद आपको एड्रेस के ऑप्शन पे जो आपने कॉपी किया है वो एड्रेस लाइटकॉइन का वो आपने पेस्ट कर देना है। नीचे कॉइन आपको यहाँ पे लाइटकॉइन सेलेक्ट कर लेना है। इस ऑप्शन को आपको ध्यान से फॉलो करना है, एक बार रीचेक जरूर कर लेना। उसके बाद लिंक और एड्रेस के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपका एड्रेस लिंक हो, जैसे ही आपका एड्रेस लिंक हो जाता है नीचे लिंक्ड एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल अप करना है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा एंड वॉलेट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको लाइटकॉइन के ऑप्शन के सामने आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन ओपन होंगे यहाँ पे, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। आपको विड्रॉ ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने लाइटकॉइन के अमाउंट डाल देनी है, जो भी आप सेंड करना चाहते हो। आप यहाँ पे ऑल करना चाहते हो, ऑल पे क्लिक करोगे सभी अमाउंट डल जाएगी। एंड यहाँ पे फी चार्जेस आप देख सकते हैं, मेरे को उतने ही लग रहे हैं,
4x02 LTC एंड मुझे यहाँ पे लाइट कॉइन रिसीव होंगे 0.03416316 LTC यहाँ पे रिसीव होंगे। जो यहाँ पे फीस चार्ज की जाएगी वो आपके बैलेंस से ही चार्ज की जाएगी। उसके बाद आपको सब कुछ चेक करने के बाद प्लेस विड्रॉल के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे सक्सेसफुली विड्रॉल लग चुका होगा। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, विड्रॉ आपको जो आपको बाइनांस पे रिसीव होने में विदिन 24 आवर आपको लग जाएंगे। A few moments later. मुझे कुछ ही घंटों के अंदर बाइनांस पे लाइटकॉइन रिसीव हो गया है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन है, इसमें मैं क्लिक करके यहाँ पे सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। 0.03416316 LTC रिसीव हुआ है, जितना मैंने सेंड किया उतना ही रिसीव हुआ है। एंड मैं आपको फोसेट पे वॉलेट से भी दिखा देता हूँ हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपको इस डिपॉजिट वाले ऑप्शन को हटा के विड्रॉल हिस्ट्री पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सभी डिटेल मिल जाएगी, जितना मैंने सेंड किया था लाइटकॉइन उतना ही रिसीव हुआ है। ये यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो पॉज करके भी आप मिला भी सकते हो, आपको कोई यहाँ पे डाउट सा लग रहा है तो आप चेक कर सकते हो रीचेक। अब आपको अपने स्पॉट वॉलेट पे आना है, यहाँ पे आपके क्रिप्टो का बैलेंस शो होगा। तो मैंने हाइड करके रखा है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा सभी क्रिप्टो का। अब आपको अपने लाइटकॉइन को कन्वर्ट कर लेना है BNB में। तो यहाँ पे ऊपर कन्वर्ट लोएस्ट वैल्यू एसेट टू BNB का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सभी क्रिप्टो का आपका बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लाइटकॉइन सेंड किया था तो वो मैं उसी का ही आपको दिखाने वाला हूँ। लाइटकॉइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी वैल्यू BNB में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ फीस चार्ज की जाएगी जो कि अराउंड 2% यहाँ पे फीस चार्ज की जाएगी। आपको यहाँ पे कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सक्सेसफुली प्रोसीड हो गया, इंस्टेंट यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे अपने बैलेंस को ट्रांसफर करना है फंडिंग वॉलेट पे। तो यहाँ पे ट्रांसफर का ऑप्शन लग रहा है, मिल रहा है, उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो बिटकॉइन सिलेक्ट है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कि BNB सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे BNB का बैलेंस ऊपर आ रहा है तो मैंने क्लिक कर दिया है। तो इसे यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। अब आपको फंडिंग वॉलेट पे आना है। अब आपको यहाँ पे P2P ट्रेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आपको होम पेज पे ही मिल जाएगा P2P ट्रेडिंग के ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे बाय के ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको सेल के ऑप्शन पे जाना है। हमने क्रिप्टो को सेल करना है तो सेल के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको BNB सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे BNB का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना। एंड यहाँ पे BNB के सभी बायर आ गए हैं। अब आपको करना क्या है, अपने यहाँ पे प्राइस फिल्टर करना है। तो फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जितने भी आप क्रिप्टो सेल करना चाहते हैं, जो भी आपने यहाँ पे अमाउंट डाली है, मिनिमम आप 100 पीस के ही कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे 100 पीस डालता हूँ। उसके बाद जिसमें आप यहाँ पे पेमेंट चाहते हो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, तो मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो उसके अकॉर्डिंग के आपको यहाँ पे बायर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सभी ने मिनिमम लिमिट लगाई होती है, तो ये देख सकते हैं 100 पीस वाले यहाँ पे सभी बायर आ गए हैं। यहाँ पे मैं पहले बायर के साथ जा रहा हूँ, सभी के प्राइस यहाँ पे डिफरेंट सेट किए होते। जो बायर आपको अच्छे दाम दे रहा है तो उसी को आपने अपनी क्रिप्टो को सेल करना है, सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन पे अपने BNB की अमाउंट डाल देनी है, 100 रुपीज़ से अबव रखनी है। दूसरे ऑप्शन पे आपको अपने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे लिंक था तो ऑटोमेटिकली पिक कर लिया। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी आपने पे मेथड सेलेक्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। यहाँ पे आपको जो BNB कन्वर्ट करके आपको इंडियन रुपीज़ में भी शो कर देगा। 250 रुपीज़ के यहाँ पे मेरे BNB की वैल्यू लगाई है। उसके बाद यहाँ पे सेल विद 0 फीस के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको बायर आपको पेमेंट करेगा तो आपको वेट कर लेना है। एंड कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको बायर नेम आपने नोट कर लेना है, जो कि मेरे बायर का नेम है जो साहा, तो मुझे इसी नेम से पेमेंट रिसीव होगी। दूसरा, यहाँ पे जो जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट रिसीव होनी चाहिए। एंड आपने जब तक आपको पेमेंट नहीं रिसीव होती तो आप तब तक आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड के ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे अपने बायर से बातें भी कर सकते हैं, चैट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैसेज टेस्ट ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे अपने बायर को कुछ भी लिख के आप सेंड कर सकते हो, जल्दी पेमेंट करो ये भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर बायर यहाँ पे ऑनलाइन हुआ तो वो रिप्लाई जरूर करेगा। तो आपको वेट कर लेना जब तक आपका बायर यहाँ पे पेमेंट नहीं करता। यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे ज़्यादा समय भी लग जाता है, कुछ यहाँ पे बायर ऑनलाइन नहीं होते हैं, पेमेंट
पेमेंट सेंड कर दी गई है। मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो 250 रुपीज जो शाह की तरफ से मुझे यहाँ पे रिसीव हो गए। अब आपको बाइनांस एप्लीकेशन पे आना है, यहाँ पे पेमेंट रिसीव का ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है एंड सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अगर आपको इनकेस यहाँ पे गलत अमाउंट रिसीव हो जाती, पूरी अमाउंट नहीं देता बायर, तो आपको यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे ट्रेड सक्सेसफुली होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसी तरह आपको अपने फोसर पे वॉलेट की क्रिप्टो को सेल करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जरूर, एंड उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं आपको गारंटीड देता हूँ। एंड मैंने इससे इस मेथड को फॉलो करके बहुत से अपनी फोसर पे वॉलेट की क्रिप्टो जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। भी लगता है तो लाइक करना एंड कॉमेंट जरूर करना ताकि बाकी व्यूवर्स को यहाँ पे यकीन हो। ओके भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।